चलो लेट अस स्टार्ट विथ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स और ह्यूमन बींग्स वाला पार्ट. ओके, तो ये टॉपिक का मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है. मेजरली इस पर आपको क्वेश्चन आते हैं. 5 मार्क क्वेश्चन जनरली जो ऑप्शंस में आते हैं उसमें आपको, मैंने पहले भी जैसे बहुत बार मेंशन किया हुआ है, लाइफ प्रोसेसेस में से एक क्वेश्चन रहता है और एक क्वेश्चन इट कुड बी फ्रॉम रिप्रोडक्शन चैप्टर. ठीक है, तो हेंस दिस माइट बी द पार्ट फ्रॉम वेयर दी क्वेश्चन माइट पॉप अप दिस ईयर ऑल्सो. और मेजरली जो इवन एंट्रेंस एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं दीज विल बी फ्रॉम दिस पार्ट इट्सेल्फ. ठीक है, तो ये इसी वजह से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट पार्ट है, तो आप इस पर अच्छे से ध्यान दे के स्टडी करो. सो फर्स्ट पॉइंट पार्ट विच वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट इज इंट्रोडक्टरी पार्ट. तो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जो है उसका जो ऑर्गन्स है दीज आर कॉल्ड एज द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स और रिप्रोडक्टिव पार्ट्स और ऑर्गन्स. ठीक है, तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है इन एनिमल्स दे गेट फंक्शनल एट अ सर्टेन एज पीरियड. ठीक है, तो दे गेट फंक्शनल एट प्यूबर्टी. ओके, सो प्यूबर्टी क्या है? तो प्यूबर्टी इज ए स्टेज इन लाइफ विच एक्चुअली मार्क्स द मैच्योरेशन ऑफ द सेक्शुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गन्स जो है, यानी कि जिसमें जिसको हम गोनाइड्स बोलते हैं या फिर जिसको हम जिसके थ्रू वी टॉक अबाउट प्रोडक्शन ऑफ द गैमेट्स. ये ऑर्गन्स का मैच्योरेशन जो पीरियड है उसको हम बोलते हैं प्यूबर्टी. ठीक है, तो ये एक डेफिनेट एज होता है हर ऑर्गेनिज्म के लाइफ में. सो द स्टार्ट ऑफ फंक्शनिंग इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी. ठीक है, तो इसलिए दैट टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट और मार्क्ड इन टू एनी इंडिविजुअल. ठीक है, सो ह्यूमन्स में जनरली इन बॉयज द प्यूबर्टी एज इज ऑलमोस्ट से इट इज 13 to 14 ईयर्स ऑफ एज. ठीक है, एंड इन गर्ल्स द एज इज 10 to 12 ईयर्स ऑफ एज. ये एवरेज है, इट इज़ नॉट नेसेसरी कि यही रहेगा. ओके, इट कुड बी मोर और लेस. ठीक है, सो इट इज़ एन एवरेज एज, वी कैन कैलकुलेट इट एज. देन सो ड्यूरिंग प्यूबर्टी क्या होता है कि मेल गोनाड्स दैट इज टेस्टीज दी स्टार्ट प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म. ठीक है, तो इसका जो मियोटिक मेम्ब्रेन है वो एक्टिवेट हो जाता है, इट विल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग स्पर्म्स. वेर एज इन टू फीमेल्स दैट इज इन टू फीमेल गोनैड्स ओवरीज इट विल स्टार्ट द प्रोडक्शन ऑफ ओवा. ठीक है, ओवा या फिर हम इनको एग्स बोलते हैं, ओवम बोलते हैं. दीज आर द फीमेल सेक्स सेल्स या फिर गैमेट्स. जनरली ओवा दीज आर मियोटिकली प्रोड्यूस्ड ऑलरेडी बिफोर बर्थ एंड देन लेटर ऑन दीज आर बीन से मैच्योर्ड एट अ सर्टन एज पीरियड ऑफ टाइम. सो दैट एज पीरियड इज कॉल्ड एज प्यूबर्टी. तो उनका मैच्योरेशन होना स्टार्ट हो जाता है, नॉट एग्जैक्टली प्रोडक्शन बट देन इट इज़ काइंड ऑफ मैच्योरेशन. तो उसको वो मैच्योरेशन क्यों बोला गया है वो मैं थोड़ी देर में जब हम इसको पढ़ेंगे तब मैं बताऊँगी. ओके, सो दिस इज मार्क्ड बाय अ फ्यू सेक्स हॉर्मोन्स. ओके, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सेक्स हॉर्मोन्स इन टू चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है, तो सेक्स हॉर्मोन्स इनको मार्क करते हैं. सो इन टू मेल्स सेक्स हॉर्मोन विच इज़ रिलीज इज टेस्टोस्टेरॉन. ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है ऑलरेडी कि टेस्टोस्टेरोन इज फर्टिलिटी हार्मोन या फिर इट मार्क्स द प्रोडक्शन ऑफ द से स्पर्म्स. एंड इनटू फीमेल्स देर आर टू हार्मोन्स ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन. ठीक है, तो ये दो हार्मोन्स है जो मार्क करते हैं द प्रोडक्शन ऑफ द और द साइकल्स ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ द ओवा. ठीक है, तो ये है अबाउट द बेसिक थिंग्स विच आर एसेंशियल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर. और ये आपने ऑलमोस्ट क्लास 8 में भी पढ़ा हुआ होता है.
ओके सो दीज थिंग्स जस्ट टू रिमाइंड यू ऑल. ओके देन सेक्स हॉर्मोन्स एज जैसे हमने इसको स्पेसिफाई किया हुआ है, दे प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन टू प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन बिकॉज दे विल ओनली टाइमली मार्क द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम एवरी टाइम. ओके सो हेंस दे आर वेरी इसेंशियल. वी हैव स्टडीड अबाउट दिस इन टू कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. तो हॉर्मोन्स के थ्रू जो कंट्रोल होता है प्रोडक्शन को और जो ये प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म एंड ओवम है, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, गैमेट एंड जेनेसिस, गैमेट प्रोडक्शन, गैमेटोजेनेसिस. ठीक है, सो दैट इज़ द वर्ड. सो दैट इज़ द वर्ड यूज फॉर गैमेटोजेनेसिस. अगेन गैमेटोजेनेसिस के थ्रू जो स्पर्म एंड ओवम प्रोड्यूस होते हैं, जैसे पहले भी मैंने मेंशन किया था, फीमेल प्रोड्यूस ओनली वन ओवम पर मंथ ऑन एन एवरेज, वेर एज मेल्स प्रोड्यूस, मेल्स कैन प्रोड्यूस स्पर्म्स ऑल द टाइम. ठीक है, तो वो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ दीज हॉर्मोन्स एंड साइकल्स ऑफ दीज हॉर्मोन्स विच इज़ टेकिंग प्लेस इन टू द बॉडी. नाउ द सेक्स हॉर्मोन्स मेंटेन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ द एक्सेसरी सेक्स ऑर्गन्स ऑल्सो. सो इनके थ्रू जो है पूरे बॉडी का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है और डेवलपमेंट हो रही है. ठीक है, सो इनका सबका भी रेगुलेशन इज डन थ्रू सेक्स हॉर्मोन्स. सो हेंस हॉर्मोन्स आर वेरी इसेंशियल और इनका हमने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स का फंक्शनिंग वगैरह भी हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में पढ़ा हुआ था. ठीक है, सो नाउ लेट अस टॉक अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है जनरली आप इसको जब भी ड्रॉ करोगे तो भी आप इसको एग्जाम में भी आपको पूछा जा सकता है. सो हेंस यू शुड ड्रॉ दिस इन टू योर नोटबुक्स ऑल्सो. सो इट कंटेन्स मेजर पार्ट दैट इज़ अ पेयर ऑफ टेस्टीज. ठीक है, तो टेस्टीज में जनरली यहाँ पे दे कंटेन ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इनसाइड इट जिसको हम बोलते हैं सेमिनल वेसिकल्स. ठीक है, एंड सेमिनल वेसिकल्स सॉरी नॉट सेमिनल वेसिकल्स, दे कंटेन दीज ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स जहाँ पे वो वैसिफरेंशिया वैसा डिफरेंशिया ये सब कुछ इन्वॉल्व होता है. ठीक है, एंड फ्रॉम देयर इट अराइजेस अपवर्ड्स लाइक दिस जिसको हम बोलते हैं स्पर्म डक्ट. स्पर्म डक्ट जो है इट गोज ऑल्सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्टिस दे आर कवर्ड बाई ए थिन स्किन फोल्ड विच इज़ कॉल्ड एज स्क्रॉटम. ठीक है, स्क्रॉटम हेल्प्स टू सस्पेंड द टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी बिकॉज दे रिक्वायर अ बिट ऑफ लोअर टेम्परेचर फॉर स्पर्म प्रोडक्शन दैन द एक्चुअल बॉडी टेम्परेचर. सो स्क्रॉटम विल हेल्प देम टू स्टे सस्पेंडेड डाउनवर्ड्स एंड रिड्यूस द बॉडी टेम्परेचर एंड फ्रॉम हियर द टेस्टिस विल ऑल्सो रिमेन सेफ. फ्रॉम देयर अगेन अराइजेस अ ट्यूब which is called as the sperm duct. It goes upward towards the abdominal cavity and into the abdominal cavity right above the ureters. यहाँ से ureters आती है urinary bladder को attach होने के लिए. So right near the ureter it will loop around and come downwards from there. ठीक है, so let's say यहाँ पर urinary bladder का placement है and here comes the urethra. Okay, so from here they will come downwards and join here to the urethra. So before joining to the urethra isme teen glands attach hoti hai. Theek hai, so the three glands which attach here are, first one will be here seminal vesicles. Okay, फिर जाके यहाँ पे एक होता है जिसको हम बोलते हैं बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड. ठीक है, और एक ग्लैंड होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे प्रोस्टेट ग्लैंड. ओके, ऐसे तीन ग्लैंड्स यहाँ पे अटैच होते हैं इसको, जिनके थ्रू कुछ सीक्रेशंस जो है वो उसमें एडअप हो जाती है. And then they will attach to the urethra and from urethra then it is carried outside the body through the penis.
So similar way you can draw it on the right side also. Okay, so this completes your diagram. Labeling you can do it later on also. So say these are the main important parts and parcel of the male reproductive system. So from here we can label them as, say, these are the testes. Then the tubular structure which starts here is called as the epididymis. ओके फिर जाके इसके बाद में दिस वन इज द स्पर्म डक्ट जिसको हम वेस्टिफरेंस भी बोलते हैं. ओके दिस वन इज द यूरेथ्रा. अगेन हियर इज द यूरिनरी ब्लैडर. देन थ्री ग्लैंड्स यहाँ के, काउपर्स ग्लैंड जिसको बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी बोलते हैं, दूसरा ग्लैंड है जिसको हम सेमिनल वेसिकल्स बोलते हैं, एंड तीसरा ग्लैंड है जिसको हम लोग प्रोस्ट्रेट ग्लैंड बोलते हैं. ठीक है, ये हो गए यहाँ के तीन ग्लैंड्स इम्पोर्टेंटली. And then bacha bhi bas opening of the urinary bladder where the attachment of sperm duct takes place. ठीक है, तो ये है diagram of male reproductive system. So you can draw this or either you can even draw the one which is given into your textbook. So that is also easier. So whichever you feel easier you can draw, no issues about it. Okay, so जैसे मैंने पहले भी mention किया था कि क्या क्या यहाँ पे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको जॉट डाउन कर लेते हैं. सो टेस्टीज आर दी और इज़ द प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ऑफ द मेल्स. ठीक है, सिंगुलरली देन they are present into small sac called as a scrotum. Scrotum is a skin fold, extra abdominal cavity में present होता है. It is kind of a bit wrinkled and dark in color because it will keep the skin either near to the body or a bit away from the body depending upon the temperature which is essential. So temperature requirement ke hisab se scrotum jo hai wo us hisab se it moves either towards the body or away from the body. So generally it keeps the body temperature 1 to 3 degrees lower. ठीक है, सो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर इज से 37 degrees centigrade. सो इट विल कीप द टेम्परेचर फॉर into the scrotal area 35.5 degrees centigrade. Okay, so you can just remember this average temperature and which will help or it favors the formation of sperms. So that's why it is required into this kind of temperature condition. So for say healthy meiotic cell division or for proper kind of meiotic cell division, this kind of temperature condition is required. Okay, so this is how it is present. Then जनरली अगर हम टेस्टिस का इनसाइड पार्ट देखते हैं, सो इट लुक्स समथिंग लाइक दिस. सो इनसाइड देर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ सेक्शंस लाइक दिस प्रेजेंट. ठीक है, और इन सेक्शंस के अंदर में
ऐसे ट्यूब्स होती है। ठीक है, एंड देन दे कम टुगेदर फ्रॉम हियर, ईच ट्यूब कम्स टुगेदर एंड दे फॉर्म हियर अ ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ऑन अबाउ। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो हमने ड्रॉ किया था पार्ट, दैट आई एम जस्ट मैग्नीफाइंग इट हियर। And then it forms a continuous tube like this. ठीक है, सो इस तरह से ये कुछ स्ट्रक्चर उसका फॉर्मेशन है। सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ से सेप्टा हियर, सेप्टा यानी सेक्शंस। ठीक है, सेप्टा के बीच में और यहाँ पे जो ऊपर वाला सेक्शन है दैट इज कॉल्ड एज ट्यूनिका एल्बिजिनिया, उसका ऊपर का सेक्शन है, इसीलिए ट्यूनिका इज कवरिंग। ओके, सो ट्यूनिका एल्बिजिनिया कवरिंग है यहाँ पे। दिस सेक्शन ट्यूबुलर इज कॉल्ड एज द वैसा एफरेंशिया। दिस सेक्शन इज कॉल्ड एज द वैस डेफरेंस। ओके, और ये जो पूरा ऐसा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है उसको बोला जाता है ट्यूबुलर एपिडिडाइमिस एंड देन ये जो छोटे छोटे सेक्शंस जो अंदर आके एक साथ आ रहे हैं उनको बोला जाता है रेटी टेस्टिस। ओके, सो दिस इज द स्ट्रक्चर और से इनसाइड ओटीएस ऑफ टेस्टिस, हाउ डज इट लुक एंड व्हाट डज इट फंक्शन लाइक। ओके, तो इसके एक एक पार्ट्स को हम डिटेल में स्टडी करते हैं। तो जो ट्यूबुलर सिस्टम हमने अभी ड्रॉ करके देखा है उसको हम स्टडी करते हैं। सो उसको हम बोलते हैं डक्ट सिस्टम्स और द ट्यूबुलर सिस्टम। तो डक्ट सिस्टम में कौन कौन आता है, तो जैसे पहले भी मैंने बताया, फर्स्ट इज द वैसा एफरेंशिया, ठीक है। तो वैसा एफरेंशिया जो है वो एक कनेक्टिंग से ट्यूब्यूल है जो कि एपिडिडाइमिस को कनेक्ट करता है, एपिडिडाइमिस के जो छोटे छोटे ट्यूब्यूल्स हैं उनको एक साथ कनेक्ट करके उससे वैसा एफरेंशिया बनता है। ठीक है, तो एपिडिडाइमिस कनेक्ट टू मेक वैसा एफरेंशिया। ठीक है, और ये जो है ये से कंडक्शन ऑफ स्पर्म्स के लिए हेल्प करते हैं। ठीक है, स्पर्म का प्रोडक्शन होने के बाद उनको कंडक्ट करके बॉडी के बाहर लेके जाने का काम ये लोग करते हैं। ठीक है, सेकंड इज से एपिडिडाइमिस एपिडिडाइमिस जो है वो थिन लॉन्ग ट्यूब्स है। ठीक है, और ये जो ट्यूब्स है ये कॉम्पैक्टली, बहुत ही कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है। और अपर एंड्स जो है वो थोड़े से बैक साइड की तरफ जाते हैं, और इसका वॉल जो है वो मस्क्यूलर होता है और ग्लैंडुलर होता है, ताकि ये जो है वो न्यूट्रिटिव फ्लूइड्स जो है वो प्रोवाइड कर सके फॉर नरिशमेंट ऑफ स्पर्म्स। ठीक है, तो इसके वॉल इज, इट्स वॉल इज ग्लैंडुलर एंड मस्क्यूलर। ठीक है, देन थर्ड वन इज
ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स में इसमें आता है वैसा एफरें सॉरी वैस डेफरेंस, वैसा एफरेंस हो गया। थर्ड वन इज वैस डेफरेंस, वैस डिफरेंस जो है ये वैसा एफरेंशिया के बाद में आने वाला पार्ट है। ओके तो ये फाइनली फाइनल ओपनिंग है या फिर वैसा एफरेंशिया ओपन्स इनटू वैस डिफरेंस, ऐसे भी बोल सकते हो। ठीक है एंड देन लास्टली फोर्थ वन इज द इजैक्यूलेटरी डक्ट। So the ejaculatory duct is when this vas deferens it connects to the seminal vesicles का tubule, तो seminal vesicles जो थे वो gland में आ रहा है ना, तो accessory glands में आने वाले उसमें वो आता है, तो उसके पहले ejaculatory duct जो है it connects to all of these glands और ये सबका union that is vas deferens के plus seminal vesicles के tubules का एडिशन, ठीक है, प्लस जो भी एक्सेसरी ग्लैंड्स थे उनका सबका एडिशन, ठीक है, एंड इट गोज इन एवरीथिंग, इट गोज इन अटैचेस टू द यूरेथ्रा, ठीक है, सो टुगेदर इट फॉर्म्स द इजैक्यूलेटरी डक्ट। तो इजैक्यूलेटरी डक्ट के अंदर जो भी सेमिनल फ्लूइड आता है तो उसमें स्पर्म्स रहते हैं, सेमिनल वेसिकल के सिक्रेशंस रहते हैं और फिर जाके इट विल गो एंड अटैच टू द यूरेथ्रा एंड देन यूरेथ्रा लास्टली लास्ट ट्यूब्यूल और डक्ट सिस्टम में से। तो यूरेथ्रा इज़ अ कॉमन पैसेज फॉर स्पर्म एंड यूरिन, ओके, तो इट इज़ ऑल्सो हेंस कॉल्ड एज द यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, ठीक है, तो इसके थ्रू जो है सिक्रेशंस ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कॉपर्स ग्लैंड तीनों की सिक्रेशंस आती है और फिर जाके इसमें स्पर्म एंड सीमेन ये सब कुछ मिलके इट विल पास आउट ऑफ द बॉडी एंड ऑल्सो इट इज़ यूज फॉर पैसेज ऑफ यूरिन विच इज़ बिन कलेक्टेड इन टू द यूरिनरी ब्लैडर। ओके सो दीज आर द डक्ट सिस्टम्स विच आर प्रेजेंट एंड लास्टली द ऑर्गन फॉर कॉप्यूलेशन is penis. So penis is a male copulatory organ and it is muscular in origin. ठीक है तो ये हो गया अबाउट the say accessory tubules which are present into the male reproductive system. Okay. इसके अलावा फिर अपने पास accessory glands भी है जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है बिकॉज दीज ग्लैंड्स दे हैव सिक्रीशंस विच आर यूज फॉर नरिशमेंट ऑफ दी स्पर्म्स। ओके तो स्पर्म्स जो है एज यू माइट हैव नोन दिस यू नो द स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म ऑल्सो सो यू माइट हैव सीन दैट स्पर्म का स्ट्रक्चर जो होता है उसमें एक हेड रीजन होता है ऐसा, ये अपने क्लास 8th में पढ़ा हुआ है ना, तो हेड रीजन होता है इस तरह से, उसका नेक रीजन है, फिर हेड रीजन में यहाँ पे एक्रोजाइम होता है, एक्रोजाइम एंजाइम होता है जो कि काफ़ी डाइजेस्टिव, हाईली डाइजेस्टिव एंजाइम होता है। यहाँ पे उसके अंदर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है जो कि मियोटिक सेल का न्यूक्लियस है जो कि मेन फ्यूजन में फंक्शन करेगा। फिर यहाँ पे उसका नेक पार्ट होता है, नेक पार्ट में बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो दीज ऑल माइटोकॉन्ड्रिया आर इसेंशियल फॉर प्रोवाइडिंग दी एनर्जी फॉर द स्पर्म टू स्विम क्योंकि स्पर्म इज़ दी मोटाइल रिप्रोडक्टिव सेल, ठीक है, तो यहाँ पे इसीलिए सभी माइटोकॉन्ड्रिया फिल्डअप होती है, पैक्ड होती है एंड देन इट विल एंड इन टू अ टेल रीजन, विप लाइक फ्लैजेला के जैसा इसका टेल रीजन होता है जो कि इसको लोकोमोशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो इसमें ये जो पूरा माइटोकॉन्ड्रिया वाला रीजन है उसकी नरिशमेंट के लिए जो भी सारी चीज़ें चाहिए वो सब चीज़ें जो प्रोवाइड करेगा, एनर्जी के लिए हो गया या फिर सब चीज़ें हो गई, तो वो प्रोवाइड होती है थ्रू दीज एक्सेसरी ग्लैंड्स। तो एक्सेसरी ग्लैंड्स में कौन आता है, सो एक्सेसरी ग्लैंड्स में आता है फर्स्ट इज द सेमिनल वेसिकल्स,
सेकंड इज द काउपर्स ग्लैंड एंड थर्ड इज द प्रोस्टेट ग्लैंड। ठीक है, तो ये जो तीनों ग्लैंड्स है इनके सीक्रिशंस जो है तो ये नरिशमेंट एंड मोबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए है। जनरली इसमें से मेजर सीक्रिशन इज ऑफ सेमिनल वेसिकल्स। तो सेमिनल वेसिकल्स के जो सीक्रिशंस है दीज विल हेल्प इन टू प्रोडक्शन ऑफ सीमेन। सीमेन इज द फ्लूइड विच इज से कैरियर फ्लूइड विच कैरीज द स्पर्म्स इन टू इट। क्योंकि स्पर्म्स को मोबिलिटी के लिए एक फ्लूइड मीडियम चाहिए तो वो फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड करेगा सीमेन। तो सीमेन इज़ क्वाइट बॉयंट और ये थोड़ा सा विस्कस फ्लूइड होता है और उसका विस्कोसिटी इज़ ड्यू टू द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन टू इट। ऑल्सो कॉपर्स ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड ये तीनों मिलके दे सीक्रेट अ फ्यू सब्सटेंसेस लाइक से फ्रुक्टोज, फ्यू हॉर्मोन्स फॉर मैच्योरेशन। दे सीक्रेट अ फ्यू फ्रुक्टोज चाहिए क्योंकि एनर्जी के लिए, हॉर्मोन फॉर मैच्योरेशन ऑफ द स्पर्म ऑल्सो। ऑल्सो देर आर फ्यू एल्कलाइन सोल्यूशंस विच आर इसेंशियल क्योंकि जो यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट है दैट इज़ दी यूरेथ्रा उसके न्यूट्रलाइजेशन के लिए। बिकॉज देर आर चांसेस कि बिफोर द पासिंग ऑफ द स्पर्म्स देर माइंट हैव बीन ट्रेसेस ऑफ यूरिन प्रेजेंट इन साइड द ट्रैक्ट। तो वो क्या कर सकता है, दैट मे इवन हार्म द स्पर्म एंड किल द स्पर्म। सो उसके लिए बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड जो है उसका सिक्रेशन होता है एल्कलाइन सोल्यूशन का विच विल वॉश ऑफ द एसिडिटी फ्रॉम द यूरेथ्रा एंड कीप द स्पर्म सेफ। तो ऐसे करके ये कुछ सिक्रेशंस हैं वहाँ के जो हेल्प करते हैं फॉर फ्लूडिटी, मोबिलिटी एंड फॉर कीपिंग द स्पर्म सेफ ऑल्सो एंड प्रोवाइडिंग द नरिशमेंट टू द स्पर्म्स। ठीक है, तो इस तरह से ये सारे सिक्रेशंस प्लस स्पर्म दे टुगेदर मेक सीमेन। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसके अलावा जो हमने जो देखा है तो ये है टीएस ऑफ टेस्टिस। तो टीएस ऑफ टेस्टिस में जैसे हमने भी टेस्टिस के अंदर में मैंने बताया था कि सेप्टा है और सेप्टा के अंदर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। सो व्हेन वी सी टीएस ऑफ टेस्टिस, तो टीएस ऑफ टेस्टिस में जब हम देखते हैं तो यहाँ पे देखो ये है वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर जो विच वी टॉक अबाउट। ठीक है, तो ये एक्चुअली एक स्लाइड है। ओके, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इट शुड बी समथिंग लाइक दिस। ये ऐसे ट्यूब्स है। ओके, सो दीज ऑल आर ट्यूब्स और ये ट्यूब्स के टी एस दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, तो जैसे मैंने बताया था कि ट्यूब्स ऐसी है, राइट? तो इस तरह से सेक्शन लिया है और ये उस तरह से दिखने वाला सेक्शन है। ओके, तो ये जो दिख रहा है आपको टी एस, तो टी एस के अंदर जो देख रहे हो वो क्या क्या है? सो दीज आर कॉल्ड एज दी सेल्स ऑफ सर्टोली। सर्टोली सेल्स बोलते हैं इनको। ये नरिशमेंट प्रोवाइड करने वाले सेल्स है। ओके, और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो दीज आर कॉल्ड एज दी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, क्या बोलते हैं? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ओके, एंड देन इनसाइड हियर ये जो लेयर है यहाँ का ये वाला, ये जो आपको डॉटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना थोड़ा सा, ये वाला हो गया। ठीक है, तो या फिर यहाँ पे ये वाला हो गया, दैट लेयर इज़ कॉल्ड एज दी जर्मिनल एपिथीलियम। ठीक है, ये पूरा गोल होता है एक्चुअली। ठीक है, तो जर्मिनल एपिथीलियम है। जर्मिनल एपिथीलियम नाम ही बता रहा है कि ये कुछ ना कुछ जर्मिनेट कर रहा है, जर्मिनेशन के लिए हेल्प कर रहा है। जर्मिनेशन ऑफ व्हाट? जर्मिनेशन ऑफ स्पर्म्स। ओके, सो दैट इज़ द लेयर विच डज द मियोसिस इनटू इट। ओके, एंड देन फ्रॉम देयर इफ यू सी अ बिट क्लियरली, तो यहाँ से सेल्स जो है वो मियोसिस करके दे गेट अक्यूमुलेटेड इनटू दिस एरिया लाइक दिस। ठीक है, ये सेल्स है वो मियोसिस करेंगे, दे विल अक्यूमुलेट सेल्स हियर। ठीक है, एंड आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम यहाँ पे ये इस तरह से मैच्योर होते जाएंगे, तो हेड एंड इसका टेल आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से कुछ मैच्योरेशन होते जाते हैं ऑफ द स्पर्म्स इनसाइड द टेस्टिस। ठीक है, तो ये है एक एक्चुअल रियल स्लाइड, सॉरी नॉट दैट वन, दिस वन इज कॉल्ड एज द लेडिग सेल्स। ओके, दीज आर कॉल्ड एज द लेडिग सेल्स। ये जो बीच बीच वाले सेल्स है इनको बोलते हैं लेडिग सेल्स। दीज हेल्प इन टू हॉर्मोन सिक्रेशन। टेस्टिस में से टेस्टोस्टेरोन जो सिक्रेट होता है वो इनसे सिक्रेट होता है, और इसके बीच में ऐसे कुछ सेल्स होती है लंबी लंबी, ठीक है, जिनको स्पर्म अटैच होती है फॉर मैच्योरेशन, उनको बोलते हैं सर्टोली सेल्स।
तो यहाँ पे ये डायग्रामेटिकल रिप्रेजेंटेशन है, इसमें से देख लो, ये लेडिक सेल्स है, जो ये वाले लेडिक सेल्स है जो सिक्रेशन ऑफ टेस्टोस्टेरोन करते हैं, फिर ये है सर्टोली सेल्स, ठीक है, और ये है जर्मिनल एपिथेलियम के सेल्स। ओके, जर्मिनल एपिथेलियम देख लो, यहाँ पे मियोसिस करके सेल एक्यूमुलेट करते जा रहा है डाउनवर्ड्स, ठीक है, और जैसे जैसे इनका मैच्योरेशन होते जाता है उनका प्रोडक्शन एंड कन्वर्जन इनटू स्पर्म्स हो जाता है, ठीक है। ये इमेच्योर स्पर्म्स जो है दे मूव फ्रॉम हियर एंड गेट अटैच्ड ऑन टू दिस सेल्स ऑफ सर्टोली, और सर्टोली सेल्स उनको नरिशमेंट प्रोवाइड करता है बिफोर मैच्योरेशन, ठीक है। जैसे ही यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म सेल्स बन जाते हैं, दे आर देन पास्ड इनसाइड, क्योंकि ये ऐसा ट्यूब है ना, ठीक है, तो यहाँ से ये पास हो जाते हैं इनटू द एपिडिडाइमिस एंड फ्रॉम एपिडिडाइमिस टू वैसा एफरेंशिया। तो ऐसे करके ये पूरा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर एक दूसरे को अटैच होगा, सेमिनल वेसिकल, सॉरी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स विल गेट अटैच टू दी रेटिटेस्टीज, रेटिटेस्टीज विल अटैच टू द एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस विल अटैच टू द वैसा एफरेंशिया, फ्रॉम वैसा एफरेंशिया देन इट विल बी पास्ड इनटू द वैस डेफरेंस, फ्रॉम वैस डेफरेंस टू द इजैक्युलेटरी डक्ट, वहाँ पे उसको सेमिनल वेसिकल, काउपरस ग्लैंड एंड प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रेशन आके मिलेंगे, एंड स्पर्म्स विल देन गेट मैच्योर्ड इनटू मैच्योर स्पर्म्स, प्लस दे विल गेन फ्रुक्टोज फॉर द एनर्जी ऑफ देयर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड फ्रॉम देयर दे विल बी देन पास्ड इनटू द यूरेथ्रा, एंड फ्रॉम यूरेथ्रा देन आउटसाइड द बॉडी। ओके, सो दिस इज द पाथ दे कैरी आउट, एंड दिस इज द स्ट्रक्चर विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द टेस्टिस। दिस इज एक्स्ट्रा विच इज़ नॉट इन्वॉल्व इन टू योर NCERT, बट स्टिल फॉर योर नॉलेज। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज़, विल स्टॉप हियर फॉर टुडे। फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर वी विल स्टडी नेक्स्ट टाइम, एंड वी विल टॉक अबाउट हाउ द गैमेटोजेनेसिस टेक्स प्लेस इन टू अ सेपरेट क्लास। ओके, सो आई विल सी यू इन टू नेक्स्ट क्लास, टिल देन बाय, टेक केयर।